और इसके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए डीआरडीओ की दवा 2DG की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी है और अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। यह दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है जिसे डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट भी शामिल है। वहीं भारत मौसम विभाग ने सूचना जारी करते हुए तौकते चक्रवात की चेतावनी दे डाली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को चक्रवात तौकात के लेकर बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 17 मई को बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से मीटिंग कर आदेश जारी किया है कि उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के पास तौकते चक्रवात के मद्देनजर सतर्क और अच्छी तरह से सुसज्जित होने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी बीच एक दिल दहला देने वाला मामला कन्नौज से सामने आया है, जहां पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के हैवानियत का मामला सामने आया है। आपको बता दें महिला के साथ बदमाशों ने मारपीट कर उसकी आंख, कान और प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें महिला रात में फोर्स के बने बंगले में अकेली रहती थी। सुबह जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो जख्मी हालत में परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने चुप्पी साध रखी है और फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन महिला के साथ हैवानियत का यह पूरा मामला सामने आया है। तो वो उनकी हालत बहुत नाजुक थी। सुबह लोगों ने देखा, मतलब उनके लड़के ने सुबह जाके देखा तो वहाँ पे देखा उनको, मतलब कायमारी हालत में छोड़ के गया। हाँ ऐसी तो है, देखी मतलब भाभी ने बोला था जो मतलब जिनकी हुआ थी माता जी, वो दिखाया था, ये तो हुई है उनके साथ घटना। ये घटना सुबह जाने में इसी दारू करेंगे मैनपुरी का, जहां मैनपुरी से सत्य की खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, और तो वहीं कार भी गहरी खाई में जाकर गिर गई। हादसे में सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल मैनपुरी भेज दिया गया है।